तो ही दोस्तों, क्या आपको पता है एक इलेक्ट्रिक मोटर काम कैसे करता है? क्या आपने थ्री इडियट्स देखा है? उसमें जब उसका प्रोफेसर, आमिर खान का प्रोफेसर, जब आके पूछता है कि हाउ डज इंडक्शन मोटर वर्क्स, तो वो रिप्लाई देते हैं, मतलब एक्चुअली आमिर खान को नहीं पूछते हैं, उनके दोस्त को पूछते, तो वो रिप्लाई देता है ब्रूम ब्रूम। तो इज दैट द राइट वे कि एक इलेक्ट्रिक मोटर वैसे काम करता है? दैट वॉज फॉर कॉमेडी, बट एक्चुअली एक इलेक्ट्रिक मोटर काम कैसे करता है, उसके बिहाइंड के प्रिंसिपल क्या है, ये सब हम आज इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस लेक्चर में हम सीखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन, गैल्वेनोमीटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और एसी और डीसी करंट के बारे में भी कुछ हद तक। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है शुभम झा और इस चैप्टर का नाम है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि आप देख सकते हो, ये है लेक्चर 5 फ्रॉम क्लास 10। चैप्टर का नाम तो मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों। एंड अगर आप चैनल पर नए हो और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों लाइक करके अपनी अटेंडेंस जरूर लगा देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आप बिना किसी टाइम पास के। तो ही दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और ये एक कंडक्टर को जब एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और काफ़ी सारे जो एक्सपेरिमेंट है, सोलेनोइड वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी लास्ट लेक्चर तक। ठीक है दोस्तों, अगर आपने पिछले 3-4 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप जाके वो लेक्चर्स देखिए, तो उससे आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो दोस्तों एक बार फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का रिविजन कर लेते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि जब आप अपने हाथ की उंगलियों को इस प्रकार रखते हो कि सारी की सारी उंगली एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ठीक है दोस्तों, तो जो आपका इंडेक्स फिंगर है, ये वाला फिंगर आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, ये वाला फिंगर आपका क्या बताएगा, फोर्स ऑन द कंडक्टर बताएगा, और ये जो फिंगर है आपका, ये वाला फिंगर आपका बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा। तो इस तरीके से हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। बेसिकली आप लास्ट लेक्चर देखो, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। क्या है दोस्तों आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। अब इलेक्ट्रिक मोटर हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान है जिसके कारण हम बहुत कुछ कर पाते हैं। जमीन से पानी निकल पाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े हमारा मिक्सर ग्राइंडर, ठीक है, और काफ़ी वॉशिंग मशीन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिक मोटर के कारण आसानी से हो जाती है दोस्तों। तो इलेक्ट्रिक मोटर इज़ रियली अ बून, ये क्या है, एक हमारे लिए एक वरदान के जैसा है। ठीक है, इसका बहुत जगह में हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जैसे फैंस, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन्स, ठीक है, कंप्यूटर, पंप्स, एक्सेट्रा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसको यूज कैसे करते हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल जो इसमें यूज होता है दोस्तों। ठीक है, और आप लोगों को पता ही होगा बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब आप बोलोगे कि सर आप ऊपर नीचे कुछ भी क्यों पढ़ा रहे हो, तो इट इज नॉट लाइक दैट दोस्तों। तो बस बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, व्हाट इज अ इलेक्ट्रिक मोटर? अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक मोटर। तो गाइज इतना सा था इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। अभी देखो दोस्तों, अभी यहाँ पे बेसिकली इसका कंस्ट्रक्शन लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों? इसका कंस्ट्रक्शन लिखा है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे इसकी वर्किंग लिखी है, ये वाले पार्ट से इसकी वर्किंग लिखी है। ठीक है, ये वाले पार्ट से इसकी वर्किंग लिखी है। देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हाईलाइट कर रहे हो, ऐसे तो समझ ही नहीं आएगा। डोंट वरी, मैं आपको अच्छी तरीके से सभी चीज़ें समझाने वाला, इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, मैं आपको वर्किंग एक्चुअल दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन हम यहाँ से देख लेते हैं और फिर इस इमेज को हम लोग थोड़ा सा कॉपी भी कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ से कंस्ट्रक्शन देखते हैं और समझते हैं कंस्ट्रक्शन किस तरीके। बेसिकली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, राइट, उसके बीच में एक एक्सेल है और ये कुछ ब्रशेस है जो कार्बन से बने हुए, स्प्लिटरिंग कम्यूटेटर। ठीक है दोस्तों, एक सर्किट है और यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है जो कि हॉरशू मैग्नेट की तरह, और यहाँ पे बेसिकली एक रजिस्टर्ड कोटेड एक वायर है जिसके थ्रू करंट पास होगा। तो ये सिंपल सा, बट यहाँ पे देखते हैं एक्चुअली क्या लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये बोल रहा है द इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर लूप कॉपर वायर हैविंग रेजिस्टिव कोटिंग। तो एक रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर है देखो यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हो, और ये कैसा है, रेजिस्टिव कोटिंग है इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, एज शॉन इन द फिगर प्लेस बिटवीन अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। और ये कहाँ पे प्लेस्ड है? एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में प्लेस्ड है, राइट, ये दो के बीच में प्लेस्ड है ये, इन सच अ वे दैट इट ब्रांचेस ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इस तरीके से इसको रखा गया है कि ये जो ब्रांचेस क्या है बेटा, ए बी एंड सी डी। देखो यहाँ पे मैं एक बार मिटाता हूँ इसको तो आपको क्लियरली दिखेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो ए बी एंड सी डी है,
ये देख लीजिए आप, ये वाला ए बी एंड ये वाला सी डी, ये दोनों परपेंडिकुलर होगा किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। इस तरीके से इसको अरेंज करके रखा गया है, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर कैसे, ये कैसे बोल सकते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ जाएगा, राइट, नॉर्थ टू साउथ जाएगा, ओके। और यहाँ पे ये जो फील्ड है, ये देखो यहाँ से इस तरीके से, इस तरह परपेंडिकुलर है, तो आप समझ गए होंगे, राइट दोस्तों। तो अभी आगे बढ़ते हैं, और आगे लिखा है द टू एंड्स ऑफ द लूप आर कनेक्टेड टू टू हैवल्स, जो दो एंड है ऑफ लूप के, ये देखो ये जो दो एंड है, यहाँ पे एक एंड है और यहाँ पे एक एंड है, ये जो इधर से आ रहा है, ये दो हैवेल्स से कनेक्टेड है, ऑफ हैवेल्स ऑफ रिंग हैविंग रेजिस्टिव कोटिंग। हैवेल्स मतलब बेसिकली मान लो कि ये एक रिंग है, मानो, ठीक है दोस्तों, ये एक रिंग है, तो इस रिंग के अगर मैं दो पार्ट करूँ तो एक ऐसा और एक ऐसा, तो इसको हैवेल्स कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे आ जाते हैं हम लोग, हैवेल्स टू हैवेल्स एक्स एंड वाई, और ये दो हैवेल्स का नाम, एक का एक्स रखा गया और एक का वाई रखा गया। मैं वापस आपको सभी चीजें समझाने वाला हूँ, ठीक है। टू द इनर सरफेस आर टाइटली फिटेड ऑन द एक्सेल, और ये जो एक्सेल दिख रहा है आपको, इस पे इसको टाइटली फिट किया गया है, ठीक है दोस्तों। द टू हैवेल्स ऑफ द स्प्लिट रिंग एक्स एंड वाई हैव देयर आउटर कंडक्टिंग सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद द स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। ये बोल रहा है जो ये दो हैवेल्स के ऊपर, जो ये दो हैवेल्स है, इसके बाहर में कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, वो एक कंडक्टिंग सरफेस से बना होता है और वो वायर से कांटेक्ट में, देखो ब्राउन कलर का आपको दिख रहा होगा। तो गाइस मैंने कंस्ट्रक्शन आपको बता दिया, बट फिर भी एक बार अच्छे से बताऊंगा और ये इमेज भी बताऊंगा, मतलब मैं इसकी वर्किंग भी बताऊंगा आपको, लेकिन उसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा, बच्चों क्या करता हूँ मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है, और ऐसे तो नहीं उठा पाऊंगा मैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके बच्चों, तो गिव मी 1 सेकेंड, मैं इसको यहाँ से उठा के कॉपी कर लेता। तो ये दोस्तों मैंने इस डायग्राम को यहाँ पे कॉपी कर लिया एक अलग से पेज पे, और इस पेज का नाम लिखा मैंने रफ वर्क। तो गाइज यहाँ पे मैं बेसिकली आपको समझाऊंगा कि एक इलेक्ट्रिक मोटर काम कैसे करता है, एंड मैं अपनी बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। अब बाकी आपके ऊपर है कि आप इसको कितने हद तक समझ पाते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि एक इलेक्ट्रिक मोटर बेसिकली काम करता है। तो गाइज जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं सभी चीजों को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऊपर ऊपर से आपको एक बार बता देता हूँ इसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, उसके बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल्ड, ठीक है, रेजिस्टिव वायर रखा हुआ है जिसका नाम है ए बी सी डी, जैसा कि आप देख सकते हो। और वो उसके जो एंड है ना बच्चों, वो इसको कनेक्टेड है, जिसको आप ब्रशेस बोल सकते हो, ठीक है। और ये एक स्प्लिट रिंग है, ठीक है, स्प्लिट रिंग मतलब जो स्प्लिट हो जाता है, और इसके दो हेल्प्स है, एक का नाम एक्स रखा है यहाँ पे आप देख सकते हो, और एक का नाम रखा है वाई, ठीक है दोस्तों। और ये ई और एफ इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, और ये कंडक्टिंग है, तो मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाएगा। और ये एक एक्सेल है जिसके ऊपर कम्यूटेटर और या फिर स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर को फिट किया गया है अच्छी तरीके से। और ये जो ब्रशेस ई एंड एफ देख रहे हो आप, ये कार्बन से बने हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में, और ये एक सर्किट है बेसिकली पावर देने के लिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, तो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट के लिए इनपुट तो चाहिए ही होगा ना, राइट दोस्तों। तो वो है, तो आई होप कि मैंने आपको इसका कंस्ट्रक्शन बता दिया। अब वर्किंग की बात करते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, वर्किंग की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वर्किंग पूरा का पूरा इस डायग्राम में समझाने वाला हूँ, जो आपको समझना पड़ेगा कुछ हद तक, ठीक है। तो दोस्तों इमेजिन करो कि ये आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है दोस्तों। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या बोलते हैं, ये जो मिडिल फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ द करंट बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड बताता है, और ये वाला बताता है मोशन फोर्स ऑन द कंडक्टर। तो अगर मैं अपने उंगली को इस तरीके से रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अभी एक चीज समझो आप, ठीक है दोस्तों, अभी एक चीज आप समझो, ठीक है। और वो चीज़ ये है कि यहाँ से, गिव मी 1 सेकेंड, ओके मैं अच्छे से बना देता हूँ इसको, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही है, मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से यहाँ से जा रही है, राइट। अभी ये वाला बी ए बी और सी डी यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो जब इस तरीके से हम लोग, और डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये प्लस है, और तो यहाँ से इस तरीके से करंट जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये करंट यहाँ पे, अब मैं ये मिटा देता हूँ, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स तो आपको पता, अब ये तो पता ही आपको बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट है उसका डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन अगर ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होगा, देखो इस तरीके से अपना आप लेफ्ट हैंड रूल रखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट का डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये वाला है, तो बेसिकली इस पे जो फोर्स ऑन द कंडक्टर होगा वो डाउनवर्ड होगा। किस तरफ होगा दोस्तों, एक पे फोर्स ऑफ द कंडक्टर अगर इस तरीके से होगा,
ठीक है, बेसिकली तो ये वाले पार्ट में अब यहाँ पे करंट इस तरफ से रहेगा, ठीक है, गिव मी वन सेकेंड। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा अपने करंट के हिसाब से इसको बस एडजस्ट कर लेना, ठीक है, यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे करंट ऐसे आ रहा है, राइट। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट टर्न रूल के हिसाब से मान लो अगर एक में इस तरीके से आ रहा है फोर्स, ठीक है, तो दूसरे में फोर्स किस तरीके से आएगा बच्चों, दूसरे में फोर्स ये वाले टर्न, ये वाले पार्ट में फोर्स इस तरीके से आएगा, ओके बच्चों, इस वाले में इस तरीके से आएगा, मतलब इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। अब आप बोलोगे सर बी और सी पे क्या होगा और ए और डी पे क्या होगा, शुभम बी और सी और ए और डी पे क्या होगा, तो बी और सी को अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली तो परपेंडिकुलर, ये तो पैरेलल है ना मैग्नेटिक फील्ड को, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड को बच्चों, पैरेलल है, कैसे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो बेसिकली इस तरीके से है, इस तरीके से है ना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, राइट, तो ये तो पैरेलल हो गया मैग्नेटिक फील्ड को, राइट, तो एडी एंड बीसी ये पैरेलल है, तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये वाले में, ठीक है, और ये वाले में, इन दोनों में ही फोर्स अप्लाई होने वाला है, मतलब मोशन ऑफ द कंडक्टर पे जो फोर्स अप्लाई होगा इस पे ही होगा। तो जब इस पे होगा बेसिकली तो ये एक नीचे की तरफ जाएगा और एक ऊपर की तरफ आएगा, मतलब कुछ इस तरीके से इसका रोटेशन होगा, कुछ इस तरीके, एक पे नीचे जा रहा तो ये इधर जाएगा और एक ऊपर आएगा, ठीक है, ऐसे नीचे और ऊपर। तो बेटा अब क्या होगा, जब ये इस तरीके से नीचे जाएगा तो ये एक्सल घूमेगा, ठीक है दोस्तों, लेकिन एक पॉइंट आने के बाद ये सब उल्टा हो जाएगा, मतलब ये करंट, देखो बच्चों तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, तो यहाँ पे जब ये करंट ऐसे जा रहा है तो ये नीचे गया और एक ऊपर आया, ठीक है, तो जब ये पलटेगा पूरा, ठीक है, जब ये पूरा पलटेगा बच्चों, मान लो कि ये एक ब्लैक वाला साइड है और एक ये रेड वाला साइड है, ठीक है, जब ब्लैक वाला साइड इस तरीके से ऊपर, तो यहाँ पे नीचे की तरफ पुश है तो ये ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है, लेकिन जब रेड वाला साइड ऊपर आ जाएगा तो ये उल्टा होगा फिर, आर यू गेटिंग इट, क्योंकि अब करंट यहाँ पे नीचे आ रहा है और यहाँ पे ऊपर जा रहा है करंट, तो ये बेसिकली ऐसे घूमेगा, तो इसके कारण क्या होगा, जो ये है ना वो 180 डिग्री ऐसे घूम पाएगा और फिर 180 डिग्री ऐसे घूम पाएगा, लेकिन 360 डिग्री पूरा रोटेशन तो इसका हो ही नहीं पाएगा, राइट, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द करंट में फर्क आ जाता है, ठीक है, तो जब ये पूरा 360 नहीं घूम पाएगा, इसीलिए हम लोग इसमें एक डिवाइस कनेक्ट करते हैं, ठीक है बच्चों, दैट इज द रीजन कि हम इसमें क्या करते हैं, एक स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर डालते हैं, क्या डालते हैं बच्चों, ये स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर जो है ना इसी काम आता है, तो जब ये स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर हम इसमें कनेक्ट करते हैं, तो ये स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर क्या करता है, एक्सेल पे घूमता है बेसिकली, ठीक है, तो जब ये शीट इस तरीके से घूम रहा होगा, ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का जो ये वायर है ना, ये एक बार यहां से कांटेक्ट में रहेगा और फिर एक बार यहां से आ जाएगा, मतलब प्लस माइनस चेंज हो जाएगा। देखो दो तरीके से इस चीज को किया जा सकता है, ये हाफ रोटेशन को रोकने के लिए, एक तो आप बार बार बैटरी के डायरेक्शन को चेंज करो, अभी प्लस माइनस है, बाद में माइनस प्लस करो, ठीक है, बार बार, लेकिन ये थोड़ा हेक्टिक काम है तो हम ये नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों, बेसिकली हम क्या करते हैं, ये स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर ऐसा कर देते हैं, इसको कम्यूटेट करते हैं, तो ये घूमता है ना, तो बेसिकली करंट के डायरेक्शन को ये बदल देता है, ठीक है, मतलब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन को बदल देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को जो हम बदल देते हैं, तो जो ये ऐसे जाने के बाद फिर उल्टे दिशा में आ जाता है, इन द सेंस कि जैसे अभी यहाँ पे ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर आ रहा है, यहाँ पे आने के बाद मैग्नेटिक डायरेक्शन स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर से घूम जाएगा और जो ई है वो एफ से कनेक्ट हो जाएगा, एफ है वो ई से कनेक्ट हो जाएगा, बेसिकली इस तरीके का कुछ हो जाता है, तो अब क्या होगा, ये वापस ऐसे ही घूमेगा, ऐसे रिटर्न नहीं आएगा। सो आर यू गेटिंग इट, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो इतना ही वर्किंग है बेसिकली, और कुछ वर्किंग में तो है नहीं, तो हम लोग पीछे चलते देखते कि क्या लिखा हुआ है। तो अगर बच्चों आप ध्यान से ये सब कुछ पढ़ोगे, ठीक है, तो वही सब लिखा है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से फोर्स एग्जर्टेड ऑन ए बी पुशेस इट डाउन एंड अप, तो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं जो मैंने बताया, पुशेस इज डाउन, ठीक है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, फोर्स एग्जर्टेड, हाफ रोटेशन होगा जैसा मैंने बताया, टू हाफ, स्प्लिट रिंग कम इन कॉन्टेक्ट विद कार्बन ब्रशेस एफ एंड ई, जो मैंने आपको बोला ना वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है, तो आप प्लीज ये पढ़ लेना, ठीक है, तो एक बार क्लॉकवाइज होगा, दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज होने की जगह जो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर घूम जाता है तो बेसिकली वो क्लॉकवाइज ही घूमते रहेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज ही घूमते रहेगा, आपको उसका टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही ईजी था। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, वो अगला टॉपिक क्या है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर हम बात करें बच्चों, तो वी हैव सीन दैट इन प्रीवियस सेक्शन, इफ वी केप्ट एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो बेसिकली मैं आपको बताता हूं कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, अगर देख सेकेंड, अगर हमने
पिछले कुछ सेक्शंस में हमने देखा था कि अगर हम एक मैग्नेट को इलेक्ट्रिसिटी जहां पे पास हो रही है उसके बाजू में रखेंगे तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जा सकता है, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म जनरेट किया जा सकता है। तो क्या इसका उल्टा हो सकता है, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, एंड दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है दोस्तों, कि मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, कैसा? बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रिकल फील्ड अराउंड अ मैग्नेट और बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, वही यहाँ पे लिखा है। और इसको फाउंड करने वाले थे माइकल फराडे। कौन थे? माइकल फराडे। इनका लॉ भी है जो हमें आगे सीखना है बच्चों। ठीक है, तो चलो देखते हैं। एक अगला जो पॉइंट हमारा हुआ है गैल्वेनोमीटर। तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो स्मॉल करंट्स को मेजर करने के काम आता है। तो गैल्वेनोमीटर इज ऑल्सो अ सेंसिटिव डिवाइस विच वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। अब इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या था? कि इलेक्ट्रिक मोटर का जो प्रिंसिपल था बच्चों, हमने यहाँ पे जो एक टॉपिक डिस्कस किया था ना, ये वाला, ये देखो, हाँ ये वाला फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो यही वाला इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर है यहाँ पे जिसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस पर फोर्स एक्ट हो रहा है, तो अपवर्ड डाउनवर्ड वो घूम रहा है। तो ये है इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल, मैंने आपको बता दिया। तो सेम प्रिंसिपल पे दोस्तों गैल्वेनोमीटर भी काम करता है। ठीक है, दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर, वी कैन मेक सम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट विथ इट। हम इससे कुछ इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स कर सकते हैं। अ कॉइल इज पोजिशन, ठीक है, एक कॉइल को किस तरीके से पोजीशन किया जाता है, पोजीशन बिटवीन द पोल पीसेस ऑफ अ मैग्नेट इन सच अ वे दैट द पॉइंटर ऑफ द गैल्वेनोमीटर डायल इज कनेक्टेड टू इट। व्हेन अ स्मॉल करंट, जब छोटा करंट एक पास होगा, फ्लोज थ्रू द कॉइल, द कॉइल विल रोटेट। बेसिकली गैल्वेनोमीटर का मैंने क्या बताया आपको, यूज होता है पावर को मेजर करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए, स्मॉल करंट को। ठीक है, द रोटेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू द करंट। और ये जब एक करंट आएगा तो बेसिकली अगर इस तरफ करंट का फ्लो है तो इधर जाएगा, अगर इस तरफ करंट का फ्लो है तो इधर जाएगा, देख सकते हो आप डायग्राम में। ठीक है, और जिस तरफ करंट है उस तरफ वो फ्लो होगा और वो थोड़ा सा मेजरमेंट दे देगा। वोल्ट मीटर एंड एमीटर ऑल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। वोल्ट मीटर और एमीटर भी सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इन गैल्वेनोमीटर पॉइंटर डिफ्लेक्ट्स ऑन द बोथ द साइड्स ऑफ द जीरो मार्क डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया, अभी देखो ग्रीन कलर से मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है बच्चों, कि ये देखो कि एक गैल्वेनोमीटर जिस तरफ डायरेक्शन करंट होगा उसी तरफ डिफ्लेक्शन दिखाएगा, तो वो दोनों तरफ जाता है। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली ये सारा एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता देता हूँ, ट्राई दिस, ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके बता देता हूँ। यहाँ पे देखो ये दो स्टैंड रखा है बेसिकली, ठीक है, और स्टैंड पे ये एक इलेक्ट्रिकल वायर कनेक्ट किया है इन लोगों ने। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर कनेक्ट किया जिसको इन लोगों ने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया, और इसके बीच में एक मैग्नेट रखा है यहाँ पे, राइट। अब ये बोल रहे हैं कि इस वायर को हिलाओ, ठीक है, तो क्या होगा, ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा वायर के अंदर। क्यों बेसिकली? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिज्म, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के आसपास एक कंडक्टर को मूवमेंट किया जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के आसपास जब एक कंडक्टर मूवमेंट करेगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंड्यूस्ड हो जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे भी वही एक चीज है, थोड़े अलग तरीके से बताया बेसिकली। ठीक है, कि एक बैटरी है, यहाँ पे एक सोलेनोइड लगा, और यहाँ पे एक कॉइल है, ठीक है, बेसिकली इस कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया, वही चीज यहाँ पे बताया। ठीक है, तो जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और इसमें क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस कर देगा। और सेम चीज यहाँ पे भी बताया कि मैग्नेटिक फील्ड जब इसमें से पास होगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड हो जाने वाली है। तो दोस्तों ये सारी चीजों का मतलब वही है बेसिकली, गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, इसमें डिफ्लेक्शन दिखाएगा, जिस तरफ करंट का डायरेक्शन है उस तरफ डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अभी देखो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल, अगर ये पॉजिटिव हो निगेटिव हो तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अलग डायरेक्शन में आएगा, और ये सब चीजों में और कुछ भी नहीं है, दैट सेट। तो अगला जो अपना टॉपिक है दोस्तों इसके बाद, ठीक है, वो है फराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। क्या है दोस्तों? फराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। देखो दोस्तों जो भी जरूरी एक्सपेरिमेंट थे मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, और जो थोड़ा मतलब बस एक कंसेप्ट सीखना है वो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो फराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन में हमने क्या सीखना है, इफ अ करंट इज स्विच्ड ऑन और ऑफ इन द सोलोनॉइड कॉइल द करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि अगर एक सोलोनॉइड के आसपास का करंट अगर स्विच ऑन स्विच ऑफ किया जाता है तो कंडक्टर के अंदर करंट क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। ठीक है दोस्तों, सच ए इंडक्शन इज ऑल्सो ऑब्जर्व वेन द करंट इन द सोलोनॉइड कॉइल इज इंक्रीज और डिक्रीज। अगर सोलोनॉइड का करंट बढ़ाया जाएगा घटाया जाएगा तब भी वो करंट देखा जाता है उसमें। ठीक है, करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल वेन इट इज मूव्ड असाइड फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द सोलोनॉइड।
मतलब ये बोल रहा है कि करंट इंड्यूस होता है कॉइल में व्हेन इट इज मूव्ड असाइड और इन फ्रंट ऑफ द सोलेनोइड, मतलब जब ये जो गैल्वेनोमीटर से जो ये डिवाइस कनेक्ट मतलब ये जो वायर कनेक्टेड सर्किट, इसको जब आगे करोगे या पीछे करोगे तब भी इसमें करंट आपको दिखेगा। दिस एक्सपेरिमेंट इट इज अंडरस्टूड दैट व्हेनेवर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द कॉइल चेंजेस, करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो इससे हमें समझ में आता है कि जब भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो पास हो रहा है इसके अंदर से, वो जब चेंज होगा तो उसके अंदर क्या होगा, करंट जनरेट होगा। ठीक है दोस्तों, कॉइल के अंदर। दिस इज ऑल्सो नोन एज फराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, और इसी को फराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन भी कहते हैं। द करंट प्रोड्यूस इन द कॉइल इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड करंट, और जो करंट इसमें प्रोड्यूस्ड होता है इसको क्या कहते हैं बच्चों, इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्या है दोस्तों, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ये रूल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी रूल के ऊपर आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर बेस्ड है। और बेसिकली जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक मोटर समझ ही लिया है तो आप इलेक्ट्रिक जनरेटर समझ लोगे, बस आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट पता होना चाहिए, जो कि आपको पता है अब। ठीक है दोस्तों, तो देखो, व्हेन वी विल इंड्यूस अ करंट इन अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर विल बी मैक्सिमम, करंट जो इंड्यूस होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो मैक्सिमम कब होगा, ये कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। इट विल बी मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये कब होगा, जब डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो कंडक्टर है उसमें वो परपेंडिकुलर होगा, जब परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड से, परपेंडिकुलर होगा तो ये मैक्सिमम करंट होगा। ठीक है दोस्तों, इन ऑर्डर टू शो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज वेरी यूजफुल। लेकिन डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, अगर इंड्यूस्ड करंट का आपको डायरेक्शन जानना है तो आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही है दोस्तों बेसिकली कि आप अपने ये सबको ऐसे इस तरीके से 90 डिग्री कर लो, अपने राइट हैंड के सारे उंगलियों को, थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर, इनको ऐसे 90 डिग्री बना लो इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, जो आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये दिखाएगा, अगर आप डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड तो आपको पता है, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ये देगा, और मोशन ऑफ द कंडक्टर यहाँ से पता चलेगा आपको थंब से। तो देखो वही लिखा है, स्ट्रेच इंडेक्स फिंगर, स्ट्रेच द थंब, इंडेक्स फिंगर एंड द मिडल फिंगर इन सच अ वे दैट दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इन दिस पोजिशन थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर, द इंडेक्स फिंगर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। तो यही लिखा है, दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो यहाँ पे वही लिखा है बच्चों कि अगर आप इस तरीके से अपने फिंगर को स्ट्रेच करोगे तो आपका ये दिखाएगा मोशन ऑफ द कंडक्टर, थंब दिखाएगा मोशन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, आपका इंडेक्स फिंगर दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका जो मिडल फिंगर है वो दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये भी सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगला जो अपना टॉपिक है बच्चों वो है अल्टरनेटिंग करंट एसी एंड डायरेक्ट करंट डीसी। ठीक है बच्चों, और उसके बाद अपना फाइनल टॉपिक है इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये लंबा चौड़ा जैसा चैप्टर था ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा इसके बाद। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये पूरा देखोगे, और चलो फिर हम लोग ये वाला देखते हैं, अल्टरनेटिंग करंट एसी एंड डायरेक्ट करंट डीसी। बच्चों तो अल्टरनेटिंग करंट मतलब क्या होता है, जो अपने आप को रिपीट करता है एक इंटरवल के बाद, अल्टरनेटिंग अपने आप को रिपीट करता है, और डायरेक्ट करंट मतलब जो एक साथ सीधे चला जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं, अच्छे से समझते हैं कि मतलब क्या है एक्चुअली। सो फार वी हैव लर्नड अबाउट एन नॉन ऑसिलेटरी करंट फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन। नॉन ऑसिलेटरी मतलब जो अपने आप को रिपीट नहीं करेगा, एक ही डायरेक्शन में जो फ्लो होते रहेगा, ठीक है, इन अ सर्किट फ्रॉम सेल टू सेल, सच अ करंट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट करंट। तो जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते रहेगा, जैसे ये देखो ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है बच्चों, तो ये करंट प्लस टू माइनस इस तरीके से फ्लो होते रह जाएगा, तो ये हो गया डायरेक्ट करंट। ठीक है, अगेंस्ट द करंट चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन अंडर द इंटरवल्स ऑफ द टाइम विच इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन अगर बोल रहा है कि एज अगेंस्ट अ करंट, तो एक अलग सा करंट होता है जो अपनी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बदलता रहता है, और उसको हम लोग एसी बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्टरनेटिंग करंट। तो देखो ये अल्टरनेटिंग करंट का ये सिंबल है, और यहाँ पे देखो करंट का डायरेक्शन अभी इधर है लेकिन थोड़ी देर बाद इधर हो गया, ठीक है, अभी इधर है लेकिन थोड़ी देर बाद इधर हो गया, और ये बेसिकली एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग को इसमें ज्यादा एसी पे ध्यान देना है, तो हम लोग देखते हैं, द करंट कैन बी इंक्रीज, द डायरेक्ट करंट कैन बी इंक्रीज, कैन इंक्रीज एंड कैन बी स्टेबल और कैन बी रिड्यूस्ड ऑल्सो। तो डायरेक्ट करंट को आप इंक्रीज भी कर सकते हो, स्टेबल भी रख सकते हो, रिड्यूस भी कर सकते हो, बट इट इज नॉट ऑसिलेटरी। लेकिन वो ऑसिलेटरी नहीं है, मतलब वो एक इंटरवल पे ऐसे रिपीट नहीं करेगा। ठीक है बच्चों,
दिस इज शोन ग्राफिकली इन द फिगर, ये फिगर में इस तरीके से दिखाया, मैं आपको समझाता हूँ ये फिगर, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट इज एन ऑसिलेटर एस इज शोन इन द फिगर 4.9, ये जो 4.19 है इसमें अल्टरनेटिंग करंट भी दिखाया, मैं वो भी आपको बताता हूँ। इट इंक्रीजेस टू अ मैक्सिमम एंड देन रिड्यूसेस टू जीरो एंड देन इंक्रीजेस टू अ मैक्सिमम इन द अदर डायरेक्शन एंड अगेन रिड्यूसेस टू अ जीरो इन द फिगर, मैग्नीट्यूड लाइक 1-1 टू हैव बीन यूज टू शो द रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। मैं सब दिखाता हूँ आपको, बस आप पहले ये देख लो कि क्या लिखा है, ठीक है। तो ऑसिलेशन ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट ऑकर साइनसोइडियल मैनर, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो वो साइनसोइडियल मैनर में ये ऑसिलेट होता है विद द टाइम एंड हेंस इज शोन बाय सिंबल, ये वाला सिंबल्स दिखाया जाता है। डायरेक्ट करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन बट द अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज इन पीरियोडिक मैनर एंड इन साइकिल इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। अभी आगे जो है ये मैं बताता हूँ, मगर पहले मैं ये बता देता हूँ कि अल्टरनेटिंग करंट फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन में जाता है और डायरेक्ट करंट एक ही डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो अभी ये वाला तो मैंने आपको बता दिया, अब इधर वाला देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो ये एक ब्लू कलर का लाइन दिखाया, राइट, यहाँ पे ब्लू कलर का लाइन दिखाया है, ओके। और इस ब्लू कलर के लाइन से इन लोगों ने बताया है क्या बच्चों, रुक जाओ मैं इरेजर ले रहा हूँ, इस ब्लू कलर के लाइन से इन लोगों ने डायरेक्ट करंट बताया है। क्या बताया ब्लू कलर के लाइन से बच्चों, ब्लू कलर के लाइन से इन लोगों ने, इधर देखो यहाँ पे देखोगे तो डायरेक्ट करंट बताया, और रेड कलर के लाइन से इन्होंने अल्टरनेटिंग करंट बताया। अभी डायरेक्ट करंट देखो एक है तो एक पे ही ग्राफ में आगे बढ़े जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये अगर डीसी अगर एसी करंट देखोगे ऑरेंज वाला लाइन, तो ये जीरो से स्टार्ट हुआ, वन तक गया, फिर जीरो पे आया, और फिर निगेटिव एक्सिस पे वन तक गया, और फिर जीरो तक आया, और फिर पॉजिटिव एक्सिस पे वन तक गया, ठीक है बच्चों। तो ये देखो ये यहाँ से जीरो से वन तक गया, और फिर यहाँ पे जीरो तक आया, फिर निगेटिव एक्सिस पे वन तक आया, एंड फिर जीरो तक गया, और इस तरीके से ये रिपीट हो रहा है, इसी एक ही चीज़ को ये बार बार रिपीट कर रहा है। यहाँ से अगर आप ये देखोगे तो यही पार्ट को इसने वापस यहाँ पे इस तरीके से रिपीट किया, सो दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ दिखाया है कि डीसी स्टेबल होता है, इस तरीके से स्टेबल रहेगा, लेकिन एसी क्या होगा, इंक्रीजिंग, ठीक है, स्टेबल एंड रिड्यूसिंग। तो आप डीसी को क्या कर सकते हो, आप इंक्रीज कर सकते हो, स्टेबल रख सकते हो और रिड्यूस कर सकते हो, तो बस वही था। तो ये फिगर में भी वही चीजें दिखाई है। अब आगे बढ़ते बच्चों और आगे क्या लिखा है देखते हैं। इन इंडिया दिस पावर इन दिस पावर स्टेशन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी वन साइकिल चेंजेस इन 1 to 50 seconds, मतलब एक सेकेंड में 50 बार, ठीक है, ठीक है। सच दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी क्या हो गया, 50 हर्ट्ज है यहाँ पे इंडिया में, 50 cycles per second, मतलब एक सेकंड में 50 cycle होता है, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इट इज बेनिफिशियल टू हैव इट इन एसी फॉर्म, अगर लॉन्ग डिस्टेंस से इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल पावर को अगर ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसको एसी में रखने में फायदा है, क्योंकि करंट का लॉस कम होता है, एज इट रिजल्ट्स इनटू मिनिमम पावर लॉस ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, ठीक है दोस्तों। द होम सप्लाई ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एसी, और जो हमारे घर का जो सप्लाई होता है वो भी अल्टरनेटिंग करंट का होता है, ये याद रखना, ठीक है। हमारे घर का जो करंट का सप्लाई होता है वो कौन सा होता है, एसी होता है दोस्तों, ठीक है। वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लास अबाउट द प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी, और हमने प्रीवियस क्लास में कुछ प्रिकॉशंस के बारे में सीखा था 9th स्टैंडर्ड में, तो वो आप वापस देख लेना 9th स्टैंडर्ड का। अगला जो टॉपिक है बच्चों हमारा वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो उसको अब हम लोग शुरू करते हैं। तो हे गाइस, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी है वी हैव सीन इन द एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे इतना ही लाइन पढ़ने वाला हूँ, बाकी मैं कुछ भी पढ़ने वाला हूँ नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जैसा कि हमने देखा था उसी के ऊपर पूरा का पूरा ये बेस्ट, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो गाइस मैं यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ एकदम, ठीक है, और मैं आपको कुछ चीज़ समझाता हूँ। सबसे पहले अगर आपको अब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं समझा है, ठीक है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसको अभी समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर ये आपको नहीं समझा तो आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं समझा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब होता है बेसिकली, ठीक है बच्चों, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब कि एक मैग्नेटिक है, यहाँ पे मान लो कि एक मैग्नेट है, ठीक है, और ये भी एक मैग्नेट है बेसिकली, ठीक है। तो ये मैग्नेट का मान लो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स में, मुझे पता है आप लोगों को कुछ लोगों को समझ में भी आ गया होगा, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स में जब भी एक कंडक्टर रखा जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर रखा जाएगा, तो वो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को काटेगा, क्या करेगा, कट करेगा, और जब भी वो कट करेगा तो उसके अंदर करंट इंड्यूस्ड होगा, उसमें क्या होगा, करंट क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा, ठीक है।
तो इस तरीके से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। और इसी ये हमने इसको बहुत ही छोटे स्तर पे देखा था कुछ पुराने एक्सपेरिमेंट में, लेकिन यही छोटे स्तर का यूज करके ना बड़ा सा करंट बनाया जाता है। तो बेसिकली ये है इलेक्ट्रिक जनरेटर, और ये वाला जो डायग्राम है वो एसी जनरेटर का है। किसका बच्चों? एसी जनरेटर, एसी मतलब अल्टरनेट करंट जनरेटर का। हमने ऊपर एसी और डीसी समझा था। तो डीसी में कुछ नहीं होता, बस जैसे एसी में एक ये यहाँ पे कनेक्टेड और एक यहाँ पे कनेक्टेड, डीसी में दोनों यहाँ पे कनेक्टेड होगा, जैसे कि एक मोटर में होता है बस। ठीक है बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका भी सेम ही है, बट इसका कैसा सीन है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पहली बात। दूसरा कि इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मोटर का उल्टा है। तीसरी बात बच्चों कि इसका भी कंस्ट्रक्शन कुछ हद तक वैसा ही है, दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ये एक रेजिस्टिव कॉइल है, ठीक है, और यहाँ पे स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर है, दो है, लेकिन यहाँ पे ब्रशेस B1 एंड B2 है, ठीक है, और इसके थ्रू ये कनेक्टेड है, ये एक्सेल है। मैकेनिकली इस एक्सेल को घुमाया जाता है, ठीक है। जब मैकेनिकली इस एक्सेल को घुमाया जाएगा, बेसिकली अभी एक चीज समझो आप लोग, ठीक है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब मैकेनिकली इसको घुमाया जाएगा, तो ये जो अभी हम लोग ये मिटा देता हूँ मैं मैग्नेटिक फील्ड, ये जो हमारा कॉइल है, ये जो हमारा कॉइल है बच्चों, ठीक है, ये जो हमारा कॉइल है, ये कॉइल क्या होगा, इसमें रोटेट होगा। जब ये रोटेट होगा तो ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को काटेगा। क्या करेगा बच्चों? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को ये कट करेगा। जब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को कट करेगा, तो आपको पता है हमने जैसा कि नीचे देखा था कि जब एक इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड में जब एक कॉइल या फिर कंडक्टर घूमता है या फिर इधर उधर करता है, तो उसमें करंट इंड्यूस्ड होता है। तो इसमें भी क्या होगा दोस्तों? करंट इंड्यूस्ड होगा। तो फर्स्ट हाफ रोटेशन में ब्रश B1 मतलब यहां से करंट आएगा, और सेकेंड हाफ रोटेशन में रिवर्स हो जाएगा और यहां से इसके अंदर करंट पास होगा। तो इस तरीके से बेसिकली एक जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। आर यू गेटिंग इट? मैंने क्या कहा, सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा वर्क, ये वगैरह सब तो वही है। और यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है बच्चों, ये गैल्वेनोमीटर बेसिकली आपको डिफ्लेक्शन दिखाएगा करंट के डायरेक्शन का, कि करंट आया गया किस डायरेक्शन में आया, ठीक है, करंट प्रोड्यूस होगा तो ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा। यहाँ पे बल्ब लगा सकते हैं, फिर गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, ये जब कॉइल घूमेगा तो उसको कट करेगा, तो फर्स्ट हाफ रोटेशन में ब्रश B1 के थ्रू और सेकेंड हाफ रोटेशन में B2 के थ्रू ये रिवर्स होगा और ये क्या करेगा, करंट को निकालेगा। तो ये अल्टरनेट हो गया। ये किस तरीके से हो गया? अल्टरनेट हो गया, ठीक है, पहले हाफ में B1 के थ्रू आ रहा है, सेकेंड हाफ में B2 के थ्रू जा रहा है, क्योंकि ये इस तरीके से कनेक्टेड। देखो ना, मान लो कि ये है, ठीक है, इस पे यहाँ पे B1 है और यहाँ पे B2 है, तो ये जो कॉइल है ऊपर वो जब घूमेगा, इमेजिन करो, ठीक है, ये जो कॉइल है ऊपर, ये वाला कॉइल, ठीक है, ये जब घूमेगा बच्चों, बेसिकली जब ये इस तरीके से घूमेगा, तो फर्स्ट हाफ रोटेशन में यहाँ से करंट जाएगा और सेकेंड हाफ रोटेशन में यहाँ से करंट जाएगा। तो इस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट ये जनरेट करेगा। तो यही था जनरेटर के बारे में, और मैं ज़्यादा ये सब बोल के आपको कन्फ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। और मेरी तरफ से एक हाईली रिकमेंडेशन है कि ये सब मत पढ़ो, हाई रिकमेंडेशन। मैं यहाँ पे कुछ फोटोज डालूंगा इस वीडियो के नीचे, कुछ फोटोज डाल दूंगा पुराने सिलेबस वाले बुक के, आप उससे पढ़ो, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, उस फोटोज का एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। बेसिकली आप उस पढ़ के देखना, अगर नहीं समझेगा तो हम लोग लाइव स्ट्रीम में उसको क्लियर करेंगे, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो गाइज इस तरीके से हो गया। अब डीसी जनरेटर में क्या, व्हाट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ डीसी जनरेटर? कुछ नहीं, जैसे कि एसी में क्या किया है, यहाँ पे देखो ये डीसी का दिखाया है इन लोगों ने, ठीक है, ये मोटर है बेसिकली, लेकिन डीसी में इस तरीके से रहेगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ही रहेगा बेसिकली। एसी में देखो एक यहाँ पे कनेक्टेड था, एक यहाँ पे कनेक्ट था, डीसी में दोनों भी इसी पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो ये डीसी के लिए हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, एसी जनरेट्स अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी जनरेट डायरेक्ट करंट। तो इस तरीके से हमने जनरेटर को भी समझ लिया। मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया, लेकिन मैंने मुद्दा समझाया आपको। आर यू गेटिंग इट दोस्तों? तो चलिए, तो गाइस मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर पूरा समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे हमारा इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर खत्म होता है। मुझे पता है आप लोगों को काफ़ी सारे डाउट्स आ सकते हैं, और इसके न्यूमेरिकल्स बाकी रह गए हैं, तो न्यूमेरिकल्स इसका हम लोग लेंगे, और हीट चैप्टर इसके बाद का चैप्टर होगा, आई होप सो, बेसिकली हीट ही रहेगा, और हीट के बाद हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे दोस्तों, या फिर कार्बन कंपाउंड्स वाला चैप्टर देखिए, क्योंकि उसका वेटेज ज़्यादा है। तो जो भी आपके डाउट्स है एक्सक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स, आप मुझसे पूछ सकते हो, न्यूमेरिकल्स का वीडियो जब मैं बना दूंगा उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स के भी पूछ सकते हो।
तो आई होप कि आपको सब कुछ पसंद आया होगा और आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा है मगर आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा उससे, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प भी है, तो अगली बार जब भी आपको वीडियो देखना हो तो आप टाइम स्टैम्प का यूज कर सकते हो जो भी आपको डाउट हो। ठीक है दोस्तों, बाकी मेरे को दो आप लोग इजाजत कि मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर ला सकूं, और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर जरूर करना। चलो दोस्तों, बाय बाय।